एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ग्लैम सोल। सो आज मैं फिर से आ गई हूँ और एक न्यू मेकअप लुक के साथ, जो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आज मैं दिखाऊँगी कैसे मैं चट जल्दी एक पार्टी लुक क्रिएट करती हूँ, जो सामान वाला कम मतलब मिनिमम प्रोडक्ट यूज़ करके मैं कैसे इजीली ये लुक क्रिएट कर रही हूँ। सो चलिए लेट नहीं करके स्टार्ट कर लेती हूँ। सो मैंने पहले एक सामर है इसलिए ऑयल फ्री प्राइमर यूज़ किया है। अभी मैंने कलर करेक्टर कर रही हूँ, जो मेरे स्किन पे डार्क स्पॉट्स है, पैचेस है, उसको मैं हाइड कर रही हूँ। उसको हाइड करने के लिए मैंने इधर यूज़ किया है पहले थोड़ा सा ऑरेंज करेक्टर, एंड उसके बाद भी मैंने उसके ऊपर ही मैंने थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर लिया है। आप लोग चाहे तो ऑरेंज करेक्टर को ब्लेंड करने के बाद भी कंसीलर अप्लाई कर सकते हो। मैंने मतलब जल्दी प्रोसेस के लिए मैंने ऐसे दो एक साथ मैंने अप्लाई कर लिया है। तो जो भी करो आप, दोनों ही एप्लीकेबल है, आप जो भी करो उसको बस ब्लेंड करो, अच्छी तरह से प्रॉपरली ब्लेंड करो, बस हो जाएगा। उसके बाद मैंने एकदम इतना सा मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है जो ना के बराबर है। मैंने जस्ट थोड़ा सा फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया है, लाइट बेस रखा है मैंने आज, क्योंकि ये समर सीज़न का मेकअप है। अभी तो समर सीज़न चल रहा है एंड पार्टी लुक है, वो भी डे पार्टी लुक, नाइट पार्टी लुक, दोनों के हिसाब से मैं आप लोग ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हो। तो आप लोगों को जो भी पसंद है जब भी कर सकते हो, जब भी मन चाहे कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने ब्लेंड कर लिया है एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर ले रही हूँ, थोड़ा सा हाइलाइटिंग पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके मैं कंसीलर अप्लाई किया है, देख सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट यूज़ करके आप लोग कैसे एक मतलब बेस क्रिएट कर सकते हो, वही दिखाना मैं चाहती हूँ। समर सीजन में मैं चाहूँगी मतलब मेरा जितना भी वीडियो आएगा सब थोड़ा सा ही मेकअप अप्लाई करके मैं करने की ट्राई करूँगी, जो आप लोगों के लिए भी वो बेहतर होगा। सो मैंने ब्लेंड कर लिया है एंड कंसीलर क्रीज ना पड़ जाए इसलिए जल्दी से मैं इसको सेट कर रही हूँ बनाना पाउडर से, जो मियोन का मैंने यूज़ किया है। आप लोग कोई भी बनाना पाउडर यूज़ कर सकते हो। बनाना पाउडर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो कंसीलर है वो क्रीज ना पड़ जाए जल्दी से, उसको मतलब बनाना पाउडर से मैंने सेट कर लिया है। तो सेट करोगे तो वो क्रीज नहीं पड़ेगा अंडर आई में। सो कंटूरिंग कर लिया है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लिया है कंटूरिंग, एंड थोड़ा सा मिनिमम ब्लशर अप्लाई किया है। थोड़ा पीची टोन मैंने यूज़ किया है, मुझे वो टोन मुझे ज़्यादा पसंद है, आप लोग चाहे तो कोई भी टोन यूज़ कर सकते हो। एंड थोड़ा सा मैंने आज लिक्विड उसको क्या कहते हैं हाइलाइटर, सो मैंने इधर आज मैंने लिक्विड हाइलाइटर थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा मैंने अप्लाई किया है। आप लोग हाईलाइट ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो हाईलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है एंड थोड़ा सा ब्लशर कंटूरिंग, ये तीन पार्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पर मैंने आज थोड़ा सा मतलब सब लाइट रखा है, तो इसलिए मैंने लिक्विड हाइलाइटर अप्लाई करके जस्ट लाइट ही रखा है मिनिमम सा। सो मैंने आईब्रोज तो मैंने प्लाक नहीं किया था, मेरा आईब्रोज डिफाइन मैंने आईब्रो पेंसिल से मैं कर लिया था पहले ही, उसको बस जैसे कंसीलर से मैंने सेट कर लिया मतलब डिफाइन कर लिया, एंड थोड़ा सा आई बेस भी क्रिएट कर लिया। एंड इसके बाद मैं जो आई लुक क्रिएट कर रही हूँ वो मैंने आज मैंने पर्पल लुक क्रिएट किया है, क्योंकि मैं पर्पल साड़ी पहनी हुई थी जो सिफॉन साड़ी है। आप लोगों के ड्रेस के हिसाब से कोई भी मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो, कोई भी आई लुक क्रिएट कर सकते हो। मेरा ही मतलब कलर आप लोगों को यूज़ करना है ऐसा कोई बात नहीं है, पर आज मैंने पर्पल लुक क्रिएट किया है पर्पल कलर यूज़ करके, एंड थोड़ा सा येलो शिमरी शेड मैंने यूज़ किया है। सो मैं येलो लाइट येलो कलर से मैंने ऊपर से ब्लेंड कर लिया वो पर्पल टोन को, एंड मिडिल पोर्शन में मैंने थोड़ा सा येलो शिमरी शेड अप्लाई कर लिया है। एंड उसके बाद मेरा जो विंग आईलाइनर है, जो मेरा फेवरेट पार्ट है, वो मैंने ड्रॉ कर लिया है।
एंड उसके बाद थोड़ा सा मस्कारा, जो मतलब मिस नहीं कर सकते, वो बहुत ही मेन पार्ट होता है क्योंकि आईज़ को हाईलाइट बहुत अच्छी तरह से करता है ये वाला मस्कारा लुक। तो जो मैंने पर्पल लुक मैंने सॉरी पर्पल कलर मैंने जो यूज़ किया था उसको ही थोड़ा सा मैंने लोअर पोर्शन में भी ब्लेंड कर लिया है, अदर से कुछ एक्स्ट्रा कलर नहीं लिया था, जो कलर था उससे ही मैंने थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया। एंड एक न्यूट पीची टोन कलर का लिपस्टिक मैंने यूज़ करके मेरा फुल मेकअप लुक हो गया है गाइस। सो चलिए, के बाद मैंने थोड़ा सा पोज दिया है, तो टन टना सो देख लीजिए मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है, आई लुक कैसा लग रहा है। एंड मैंने एक सिफॉन साड़ी अप्लाई किया है, मतलब पहनी हुई हूँ, एंड उसके साथ एक हॉल्टर नेक का ब्लाउज मैंने पहना है। सो आप लोगों का ए वाला लुक का जो मेन फोटो है वो मैंने पहले ही दे दिया था, तो आप लोग देख सकते हो कैसा लगा है मेरा ये वाला लुक, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। सो देखते रहिए मेरे चैनल को एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड जितनी भी क्वेश्चंस होगा कुछ आस्क करना होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। सो टाटा बाय बाय।